सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा। अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे, तो पड़ोसी देश बड़ा घबरा रहा है अखंड भारत के नाम से। अखंड भारत से पाकिस्तान डर गया। अखंड भारत के नक्शे ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। बिल्कुल, पड़ोसी मुल्क की शरारतें चलती रहती हैं, हम उनका चेहरा बेनकाब करते रहते हैं। अब फिर से एक भोंडा उन्होंने मजाक करने की कोशिश की। आज वो कहते हैं हमें दुनिया के अंदर जो है ना वो छा जाना है, और वो कैसे छाना है? भारतीय पार्लियामेंट की एक वॉल पर आर्टवर्क के जरिए हिंदुस्तान का जो नक्शा डिजाइन किया गया है वो अखंड भारत नजरिया जाहिर कर, और वो आप देखें कि जो उसका मैप है अखंड भारत का, उसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को मसला नहीं है अखंड भारत बनने से, पाकिस्तान को डर है कि अखंड भारत में मैं भी आ रहा हूँ भाई। सर, बहुत सारे इंडियंस का ये ख्वाब है अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया, उन्हें बड़ा बिलीव है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का, यह इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। हो भाई, भारत का मैप देख के सब परेशान हो रहे हैं भाई, पता नहीं क्या क्या न्यूज आते हैं हर रोज। इंडिया तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है, वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। और वो कहते हैं ये जमीनें जो हैं ये श्रीलंका हो या पाकिस्तान का हो या अफगानिस्तान हो या म्यांमार हो, ये हमसे चली गई थी। जय हिंद बंधुरा, जेमनटा आपनारा वीडियो शुरूते सुनलें जेखने आमादेर भारतेर भेतरे सीए चालू हो गेछे, तो अपरदिके आबार भारतेर स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाहके जखन जिज्ञासा करा हय যে ভারতে সিএ কেন লাগু করা হলো আর কেনই বা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করা হবে, তো তার উপর তিনি যা উত্তর দিয়েছে সেটাকে শুনে পাকিস্তানিরা ভীষণ চিন্তিত। পাকিস্তানিরা এটা ভেবে উঠতে পারছে না যে ভারতকে কাউন্টার করবে তো কিভাবে করবে। একদিকে যখন পাকিস্তানের অবস্থা বেহালপনা, তো অপরদিকে খবর তো এটাও বেড়ে এসেছিল যে পাকিস্তান ভারতের মতো নাকি তারা সিএ কে লাগু করবে। যদিও তারা এটা সম্পূর্ণ অফিসিয়াল ভাবে করে তবে সেটা আমাদের জন্য অনেক ভালো। তবে দেখার বিষয় এটাই হবে যে সমস্ত মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষে যে সমস্ত মুসলিমরা আছে তারা সেখানে যায় কিনা, মানে পাকিস্তানে যায় কিনা। বন্ধুরা আপাতত পুরো ভিডিওটি দেখে নিন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এর সাথে সাথে নতুন চ্যানেলের লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, समझ में अगर आ भी जाए ना तो पड़ोसी देश बड़ा घबरा रहा है अखंड भारत के नाम से। पाकिस्तानियों का, यह इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। अगर उनको इतना यकीन है तो उनको ये भी यकीन था, आर्मी की बात कर लें या उनकी आवाम की बात कर लें, 1965 में उन्होंने ये सोचा था कि लाहौर में नाश्ता करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे मामला जो है ना, ख्वाब हर बंदा देख सकता है, बात वही है, तो लेकिन रियलिटी बेसिस नहीं है ये चीज़ें। जिस जगह पे आज पाकिस्तान है इधर भी हिंदुओं का राज था, ठीक है ना, हिंदू बनी है, इन्होंने दबा के रखा हुआ था मुसलमानों को। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया, और एक बेहतरीन लीडर थे कायदे आज़म, ठीक है ना, उनकी सोच थी जिस बुनियाद पर उन्होंने ये क्या नाम है कदम उठाया कि कांग्रेस से अलहदगी की। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ होते और हम इस आज़ादी से रह रहे होते, कभी भी नहीं, ये मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे, ख्वाब देखने पे ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएं, हमारे पाकिस्तान ही नहीं है लालची ना हम मानेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसी हरकत करेगी तो उसको इंशाल्लाह अच्छा सबक सिखाएगी ये वाम। वो कुछ मुल्क हैं लालची, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात। हमें तो अमित शाह साहब कहते हैं कि बस थोड़ी सी देर रह गई है, तो ये श्रीलंका और नेपाल में अपनी हुकूमत होगी, ये अपने लोग हैं सारे। सो वो एक वो आप देखें, हर पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल एक्यूमेन एक जैसा नहीं होता। मे बी ही माइट हैव सेड इट इन अ क्लोज ग्रुप, मे बी ही माइट हैव सेड दिस इन अ विद अ क्लोज लेफ्टिनेंट्स ऑफ हु बिलीव दैट हु शेयर द सेम आइडियोलॉजी, बट व्हेन ही वो बाहर गए तो उसने जाके बात की तो लोगों ने, वो मीडिया ने उसको उठा लिया, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अमित शाह व्हेन टॉक्स ऑफ के जी हमने आजाद कश्मीर छीन लेना है, कर लेना है, that's a different story, but if Amit Shah talks on about the sovereign countries like in Nepal and Sri Lanka, that will be a different story.
और वो कहते हैं ये ज़मीनें जो हैं ये श्रीलंका हो या पाकिस्तान का हो या अफगानिस्तान हो या म्यांमार हो, ये हमसे चली गई थी क्योंकि इस दौर में गोरे आए और मुग़ल आए। सो जो अखंड भारत है ये दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़। अब वो जिसे वो कहते हैं ना कि हम जो जो अखंड भारत को वी डोंट लोकेट इट एज फ्रॉम अ जियो पोलिटिकल आइडिया, सो दिस इज़ अ जियो कल्चरल आइडिया, ठीक है। सो ये सो मे बी उनका ये जो पॉइंट है जियो कल्चरल का अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई समझ में अगर आ भी जाए ना तो पड़ोसी देश बड़ा घबरा रहा है अखंड भारत के नाम से। पाकिस्तानियों का यह इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। अगर उनको इतना यकीन है तो उनको ये भी यकीन था, आर्मी की बात कर लें या उनकी आवाम की बात कर लें, 1965 में उन्होंने ये सोचा था कि लाहौर में नाश्ता करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे मामला जो है ना ख्वाब हर बंदा देख सकता है, बात वही है तो, लेकिन रियलिटी बेसिस नहीं है ये चीज़ें। जिस जगह पर आज पाकिस्तान है इधर भी हिंदुओं का राज था, ठीक है ना, हिंदू बनी है, इन्होंने दबा के रखा हुआ था मुसलमानों को। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया और एक बेहतरीन लीडर थे कायदे आज़म, ठीक है ना, उनकी सोच थी जिस बुनियाद पे उन्होंने ये क्या नाम है कदम उठाया कि कांग्रेस से अलहदगी की। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ होते और हम इस आज़ादी से रह रहे होते कभी भी नहीं, ये मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे, ख्वाब देखने पर ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएँ, हमारे पाकिस्तान ही नहीं है लालची ना हम मानेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसी हरकत करेगी तो उसको इंशाल्लाह अच्छा सबक सिखाएगी ये वाम। वो कुछ मुल्क हैं लालची, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात। हमें तो अमित शाह साहब कहते हैं कि बस थोड़ी सी देर रह गई है तो ये श्रीलंका और नेपाल में अपनी हुकूमत होगी, ये अपने ही लोग हैं सारे। सो वो एक वो आप देखें हर पॉलिटिशियन का पोलिटिकल एक्यूमेन एक जैसा नहीं होता। मे बी ही माइट हैव स्टार्ट इट इन अ क्लोज ग्रुप, मे बी ही माइट हैव सेड दिस इन अ विद क्लोज लेफ्टिनेंट्स ऑफ हु बिलीव दैट हु शेयर द सेम आइडियोलॉजी, बट व्हेन ही वो बाहर गए तो उसने जाके बात की तो लोगों ने, वो मीडिया ने उसको उठा लिया बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अमित शाह व्हेन टॉक्स ऑफ के जी हमने आज़ाद कश्मीर छीन लेना है कर लेना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इफ अमित शाह टॉक्स ऑन फॉर द सॉवरन कंट्रीज लाइक इन नेपाल एंड श्रीलंका, दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। और वो कहते हैं ये ज़मीनें जो हैं ये श्रीलंका हो या पाकिस्तान का हो या अफगानिस्तान हो या म्यांमार हो, ये हमसे चली गई थी क्योंकि इस दौर में गोरे आए और मुग़ल आए। सो जो अखंड भारत है ये दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़। अब वो जिसे वो कहते हैं ना कि हम जो जो अखंड भारत को वी डोंट लोकेट इट एज फ्रॉम अ जियो पोलिटिकल आइडिया, सो दिस इज़ अ जियो कल्चरल आइडिया, ठीक है। सो ये सो मे बी उनका ये जो पॉइंट है जियो कल्चरल का।